सो हे गाइस, तो अभी हम वापस बोल हैप्पी लोहड़ी। सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए से अच्छे व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं उधमपुर अपने घर पे। तो आज लोहड़ी भी है, तो सबको मेरी तरफ से पहले हैप्पी लोहड़ी। और ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ गोप्रो के कैमरे से वाइड एंगल में, तो कैसी क्वालिटी आ रही है बताना। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आपने देखा होगा टाइम स्लैब में कि कितने ज़्यादा ट्रक खड़े थे। अभी मैंने टाइम स्लैब बनाया था तब भी इतना ज़्यादा रश था। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में एक शॉप में, परांठा खाएंगे। ये वाली शॉप है। ये है ओके। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, परांठा बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो ये जज्जर कोटली पुल के क्रॉस करते ही दुकान आएगी, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ। क्या लाया है? क्या ये ऐसी परांठा? सही था परांठा? सही था गजब बेइज्जती है। चल ये मून वॉक कर कर ओ खत्म हो गया, बस बस इतना ही बोल बोला मैं छपरी। अभी हमने खाना वगैरह खाया तो मैंने सोचा उसके बाद कहीं ऊपर जाते हैं। मैं पिछली बार आया था पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए सोचा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में ये आया मेरा चाचू का बेटा है, ये छोटा सा, जिसकी वीडियो देखी आपने सस्ती मून वॉक। रास्ता देखो कैसा है, ये बिल्कुल ही कच्चा, बहुत कीचड़ बहुत है। रुक जा गाइस, रास्ता देखो यहाँ पे कैसे है, कितना कच्चा। गांव में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ना मास्क वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतने लोग ही नहीं है यहाँ पे। तो आगे रास्ता देखो आप कैसा है, बिल्कुल ही ऊपर, बिल्कुल खड़ा खड़ा। सांस चढ़ गई, क्या बंदर है। चल तू चल आगे, चल ध्यान से गिरना नहीं, तो रास्ता ही वैसा है। तो अभी हम वहाँ नीचे से पूरे कच्चे रास्ते से यहाँ रोड पे आ गए हैं। सामने आप व्यू देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, इनको चीड़ का पेड़ बोलते हैं। अभी हम इसके भी ऊपर जाएंगे, दिखाता हूँ आपको। सामने बर्फ़ पड़ी और सामने व्यू देखो, तो यहाँ ऊपर चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ये सब किसी ने इकट्ठी किया है आग लगाने के लिए। और यहाँ पे देखो आप चीड़ के पेड़ है, मतलब एकदम ऐसे पूरा पत्नीटॉप वाला फील है। सांस चढ़ गई यार, कहाँ पे आ जल्दी, ऊपर देखो। उसको छोड़ना, बंदर दिखा रहा है। तो अभी हम काफ़ी देर से चढ़ रहे थे और थक गए थे, तो यहाँ पे बैठ गए हम पत्थर में। तो जब हम पिछली बार आए थे यहाँ पे मेरे भाई ने एक नाम लिखा था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखो। ये लिखा है DS, अब पता नहीं कौन है। देख रहे हो दीपक भाई, नाम लिखा था जो आपने पिछली बार, याद है ही नहीं। और वो जगह बहुत स्पेशल है उनके लिए। हंस रहा है ये भी।
सो गाइस अभी बड़े सारे जने सोच रहे होंगे कि मैंने मोटो व्लॉगिंग करनी थी, मैंने सब सामान ले लिया था, बट एक्चुअली क्या हुआ कि इसका जो केस है केस अभी तक नहीं आया, वो आएगा सैटरडे को, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे तक सब कुछ आ जाएगा। एक माउंट भी लेना है मुझे, तो फिर मोटो व्लॉग ही करूँगा मैं। अभी मैंने GoPro लिया तो है बट मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है कि कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत YouTube से देख देख के मैंने सीख लिया है, काफ़ी कुछ सीख लिया। पहले तो ऑन ऑफ का भी पता नहीं चल रहा था, धीरे धीरे आ जाएगा सब, अपनी चीज़ हो तो फिर आ ही जाता है सब कुछ। तो अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, चल चल आराम से जाना। तो गाइस आप ऐसी जगह पे आते हो पटनी टाइप वाली जगह, तो सॉरी पटनी टॉप वाली वेस्ट साइड जगह, या फिर ऐसे जंगल इलाकों में आते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है। इसके बीच में कहते हैं पता नहीं बादाम होते हैं तो खाते हैं, पर खाए नहीं है कभी। क्या को उसको बादाम नहीं होता, कुछ हाँ क्या होता है ऐसे कुछ होता है ड्राई फ्रूट जैसे। ड्राई फ्रूट खाया तुमने कभी? हाँ एक बार खाया था। कैसा था? सही था? बादाम वाला टेस्ट था। कई लोग इसको वो भी करते हैं, इसके ऊपर पेंट करके घर पे ऐसे शोपीस रख देते हैं, अच्छा लगता है ये। तो अभी हम रोड पे आ गए हैं, देख सकते हो आप, तो यहाँ से कुछ ही दूर है पंचारी, वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अगली बार आएंगे हम तब मोटो व्लॉग करते हुए आएंगे और पंचारी चलेंगे, बहुत सही जगह है वो। अभी बर्फ़ भी पड़ी थी और अब तो पिघल चुकी है। अंकल कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोई भी दे दो। हाँ हाँ 35 वाली। भाई अभी हम ऊपर से चल कर आए थे तो ये थक गया था, कह रहा है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो अभी हमने कोल्ड ड्रिंक ली है, वो पीते हैं। दे माउंटेन ड्यू, सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मज़ा है, गर्मियों से भी ज़्यादा, तो उसको पीते हैं अभी, फिर मिलते हैं आगे। मैं बैठे और ये खा रहा है, क्या खा रहा है? क्या ये कुछ क्या क्या खाते रहते हैं? ये चीज़ें मैं नहीं खाता, क्या क्या खाते रहते हैं ये? हाँ मैक्स खा खा यार खा। तो यार मैंने, इसने नहीं खाया ये, सिर्फ मैंने भी खाया कोल्ड ड्रिंक पी और वो मैक्स भी खाया, ऐसे ऐसी मजाक कर रहा था, बोल रहा था ये वाली वीडियो मत डालना, तो ये मैं भी खा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, खाना चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है, खाना चाहिए सबको भी, मैं तो बोलता हूँ, जियो खाओ पियो ऐश करो। तो गाइस अभी मैंने इसको बोला कि एक वीडियो आई थी उसमें ना क्या बोलते हैं, एक बंदे ने 1 लीटर वाली पूरी बोतल पी थी, तो मैंने ये बोलता मैं पी लूँगा, तो अभी मैं उसको बोल रहा हूँ ये माउंटेन ड्यू की 35 वाली बोतल पी के दिखा, इतनी सी आधी है ये, अब ये पी के दिखाएगा, देखो पी, रुकना नहीं है, पी पूरी पूरी पी पूरी। बोतल मजाक थोड़े ना था कोई, ये क्या हुआ अब? घटाघट पीने से कुछ जलन जलन होती है मुँह में, भाई उसने 1 लीटर वाली पी थी पूरी, ये तो 35 साल तू आदमी पी, बोलना करने में बहुत आसान होता है। तो अभी हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, आपको एक चीज दिखाता हूँ, और ये देखो ये हमारे सामने हॉस्पिटल है, डबल स्टोरी हॉस्पिटल है, पर कोई फायदा नहीं हुआ खोल के, यहाँ पे कोई आते ही नहीं है, एम्बुलेंस तो वो और कहीं होती है, ताकि पैसा वेस्ट किया अच्छा और कहीं खोल देते, और ये सामने हमारा घर है, तो मिलते हैं आपको रात को। वो चाचू जी हमारे यहाँ पे हलवा खिला रहे हैं हमें, गाजर का हलवा दिया है खाने को, भी खाते हैं उसको, टेस्ट करते हैं। ओह आना यमी यमी यमी, बोल हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। ये खिला पहले, इस भी खिला, ये खाओ भाई निकालो, मलूक बोलते हैं इसको, मलूक ये लो मलूक, इसमें चिंगम भी लगाते हैं पहले और टॉफियां है ना, मखाने भी लगे हैं। मेरे भाई ये बोल रहे हैं मैं कब से कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है अब बोले गए, बोल। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू एनीज व्लॉग एंड शेयर लाइक एंड कमेंट, डिड यू लाइक द वीडियो।